हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल, जिसे रैम्स बॉटम वॉल भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी डिटेल हमें दी हुई है, जिसकी असेंबली हम आज बनाएंगे। ठीक है, तो ये उसका मेन कास्टिंग है। मेन कास्टिंग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके अंदर ये दो दो वॉल सीट दी हुई है, दोनों वॉल सीट एक यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर जब ये वॉल सीट ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे, तो वॉल सीट के अंदर हम ये वॉल दोनों यहाँ यहाँ ड्रॉ करेंगे। दो दो वॉल भी दिए हुए हैं हमें। फिर उसके बाद एक एक तरफ वॉल के अंदर यहाँ पर हम एक यहाँ पे फलक्रम दिया हुआ है हमें ये। ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे। ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, ये वॉल है, ये वॉल का फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू ये वॉल वॉल सीट का टॉप व्यू ये है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के बाद हम ये अपना आई बोल्ट हमें दिया हुआ, आई बोल्ट यहाँ फिक्स करेंगे। आई बोल्ट फिक्स करने के बाद ये जो फलक्रम है यहाँ लग जाएगा तो वॉल सीट के ऊपर, तो हम यहाँ पे लीवर असेंबल करेंगे, लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्रिंग लगा देंगे लीवर में, और फिर ये अपना सेफ्टी लिंक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा सेफ्टी लिंक दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो हमने यहाँ पे वॉल, जो वॉल की मेन कास्ट है, कास्टिंग है, वो बना रखी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाइए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया, उसका डायमीटर हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 125 दी हुई है, 125 यहाँ से ड्रॉ की एक्सिस ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 50 mm यह डायमीटर हमें दिया हुआ है, 50 mm ड्रॉ किया। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 12 mm दिया है डिस्टेंस, ऊपर 12 mm ले गया यहाँ से, 12.5 सॉरी, फिर यहाँ से 12.5 ऊपर ले गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ये डिस्टेंस था, ये डायमीटर था हमारा 50 mm का, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी ली, यहाँ से 6.5 mm दे रखी है, तो ये भी हमारी यहाँ से यहाँ तक 6.5 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 6.5 mm मार्क करके एक लाइन खींच दी सर्टेन लेंथ पे। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल लाइट पेंसिल से नीचे तक, फिर ऐसे यहाँ से 6.5। ठीक है, फिर जो यहाँ से हमने 12.5 यहाँ से लिया था, यहाँ नीचे से 12.5 ऊपर लिया था, उस वाले पॉइंट से मैंने यहाँ से लाइन खींची और जिस पॉइंट पे कट किया वहां पे इसे मिला दिया। फिर उसके बाद मैंने फिलेट ड्रॉ कर दी, फिलेट 6.5 mm की हमें मारनी थी, तो 6.5 यहाँ से इधर लिए, 6.5 यहाँ से इधर लिए, फिर ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक बार कंस्ट्रक्शन दिखा दिया, उसके बाद हम फ्री हैंड मार सकते हैं और बस वहां पे डायमेंशनिंग दिखानी है कि इतने की यहाँ पे फिलेट लगी है, इतने रेडियस की। ठीक है, इतना ड्रॉ गया। इतना ड्रॉ होने के बाद क्या किया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितने डिस्टेंस दी हुई है, 100 mm। ठीक है, 100 mm लेके एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया। फिर जो हमें ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट से यहाँ तक की हमने कंपास खोला, यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 50 mm दिया हुआ है, तो 50 mm खोल के एक सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, रेडियस का एक्सिस। फिर इसके बाद क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें ड्रॉ करनी है, वो कैसे करेंगे, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की, जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 37.5, तो 37.5 का हाफ किया हमने, कितना आया हमारा, आया 18.75 आया, तो यहाँ ये 18.75 आया, तो 50 mm में 18.75 ना लेके हम इसे 19 ले लेंगे, और 50 mm में 19 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 69 आएगा। और फिर यहाँ से 69 की कंपास खोल के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो है इसको ड्रॉ कर देंगे और ये ठीक है पूरा हो जाएगा। फिर ये इस पॉइंट पे कटेगा हमारा और ये इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से एक फिलेट मार देंगे हल्की और इस लाइन से मिला देंगे, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक 50 mm का डाया था ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ से ये ड्रॉ हो गया, फिर यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस 6.5 है। ठीक है, तो 69 में 6.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 75.5, तो यहाँ से यहाँ तक 75.5 खोल के आग ड्रॉ कर देंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद जो हमने हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6.5 दी, फिर 6.5 थी वो लाइन हमने ड्रॉ कर दी थी यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड, तो फिर इस पॉइंट से हमारा एक कटेगा, फिर इस पॉइंट पे हमने रख के एक फिलेट ड्रॉ कर देंगे फ्री हैंड। ठीक है, एक बार क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने नीचे दिखा दिया, फिर ऐसे ही इस साइड भी हम फिलेट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये नीचे काम हो गया। अब ये यहाँ इसका ये ड्रॉ करना, ये वाला सेमी सर्कल ये कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 37.5, तो 37.5 का हाफ हमने कितना लिया था, 18.75 को अप्रोक्स में, 18.75 को हमने अप्रोक्स में लिया था 19, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हमारी कितनी दी हुई है, 50 mm दी हुई है, तो 50 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 31, तो यहाँ से यहाँ तक की 31 डिस्टेंस लेके
एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, फिर यहां से यहां तक 6.5 और माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 6.5 है, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवेन है, ठीक है। तो हम हर जगह हम 6.5 की डिस्टेंस लेंगे, जो ये यहां से यहां तक है, जब तक हमें डिस्टेंस दी ना हो, ठीक है। तो यहां से यहां तक 6.5 माइनस कर दिया, 31 में से कितना आया हमारा 25.5। तो यहां से यहां तक 25.5 खोल के कंपस से यहां से यहां 25.5 का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, रेडियस का। इतना हमारा नीचे तक का पूरा बन गया। और अब हमें ये आर्क कैसे लगानी है, ये आर्क आप या फिर हमें यहाँ पे दे रखा है गिवन 31.5, ठीक है। तो ये 31.5 का रेडियस हमें लेके आर्क ड्रॉ करनी है। ये रेडियस आप कैसे ले सकते हैं, या आप किसी पॉइंट पे इसे ले जाइएगा, जैसे कि यहां से हमने इसे ले गए, तो यहां से यहां तक 31.5 पे मिलेगा, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट से, जैसे कि यहां पे मिला, ठीक है, 31.5 पे। तो मैंने इसको यहाँ बीच में मार्क किया, और फिर ये फिर उसके ही अप्रोक्स में हमें एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढना है जहां से इस पॉइंट पे उतने डिस्टेंस पे हमारा मिले, ठीक है। तो ये ढूंढना मुश्किल होगा, तो इसको इजीली ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को खोलेंगे सर्टेन लेंथ पे, और जिस भी पॉइंट पे, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे टच किया इसे, इस पॉइंट पे यहाँ से, लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि हमें हमें दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हमने एक जगह मार्क कर लिया, फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट पे रखा अपना जो पॉइंट हमने सेट किया था, और ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये रैंडमली हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आप फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे तो बेकार आएगा, कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना, या फिर डी की हेल्प से, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है। इतना हो गया, अब ऊपर का देखते हैं, ऊपर का कैसे होगा, ऊपर का बताते हैं अब, ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं। तो ऊपर का कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर का ड्रॉ करना बताते हैं अब आपको, ठीक है। तो ऊपर का ड्रॉ करने के लिए हमें कैसे करेंगे, नीचे से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हुई है, 212 दी हुई है, ठीक है, 212 दी हुई है, लेकिन 212 हमारी नीचे से लेके यहां तक की है, ठीक है, 212 हमने मार्क कर लिया, ठीक है, नीचे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने 212 मार्क किया, वहां से नीचे हमें 27 mm नीचे जाना है, तो यहां से हमने 27 mm मार्क कर लिया, ये पॉइंट हमारा 27 mm है यहां से, ठीक है, 27 mm मार्क करके हमने पॉइंट मार्क कर लिया। तो हमें क्या गिवन है, 27 mm मार्क कर लिया, फिर उसके बाद इस पॉइंट से, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो हमें मिला, इस पॉइंट से हमें, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 31 mm। तो हमने 31 mm का एक रेडियस डायमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 31 को हाफ हाफ डिवाइड करके, 15.5 इधर, 15.5 इधर, तो हमें ये दोनों पॉइंट मिले। तो जो हमारा ये नीचे वाला पॉइंट आया था हर तरफ का, इस वाले पॉइंट से सबसे पहले हम अपने ड्राफ्टर को थोड़ा डायरेक्शन में चेंज करेंगे, और टेपर्ड में इसे हमने ड्रॉ कर दिया। फिर ऐसे ही हमने जो हमें ये पॉइंट मिला, हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी 6.5 mm होगी, क्योंकि नीचे से दी हुई थी, तो ये इक्वल होगी, 6.5 mm इधर लेके ड्राफ्टर से, और इसको भी इसके पैरेलल ही टेपर में ऐसे ड्रॉ कर दिया, सेम एज इसको भी, ठीक है। इसको नीचे तक ड्रॉ किया हमने यहां तक, ठीक है, टेपर में, और इसको लाइट पेंसिल से हमें ड्रॉ करना है पहले, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक का गैप दिखाना है, वो कितना था, वो हमारा था 12.5 का, ठीक है। तो इसको बाद में दिखाएंगे, पहले टेपर ड्रॉ कर देंगे हम, जैसे हमने इस साइड टेपर ड्रॉ किया वैसे हमें इस साइड भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक का हमारा काम दोनों तरफ का खत्म। फिर इसको कैसे ड्रॉ करना था, मैंने आपको जैसे बताया कि इसको पहले टेपर में ड्रॉ करना लाइट पेंसिल से, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे हमारा ये मिलेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, फिर यहाँ, फिर इस सेंटर से, जो हमारा सेंटर था दूसरे एक्सिस का, यहां से यहां तक किसकी डिस्टेंस कितनी है, 12.5। तो ऊपर 12.5 मार्क करके हमें एक सिंपल लाइन खींच देनी है, फिर इसको फ्री हैंड फिलेट ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो हमारे ये ड्रॉ हो गया। फिर इसके बाद हमें ये ऊपर के जो ये दो डायमीटर दिए हुए हैं बड़े वाले, कैसे ड्रॉ करेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ, 57 mm का। तो यहाँ अपने एक्सिस से जो हमारे यहाँ तक ये पॉइंट था हमारा कितने का था, यहाँ से बिल्कुल बॉटम से लेके ऊपर तक 212.5 का, ठीक है। तो यहां से 212.5 पे हमने मार्क किया था इधर और इधर, इसको मार्क करके यहां से यहां तक का एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया 57 mm का, ठीक है। फिर उसको 27 mm नीचे ड्रॉ कर लाए दोनों तरफ साइड से, जैसे हमारा एक गिवन है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है, ऐसे इस साइड भी। फिर उसके बाद क्या करना हमें, जो हमारा छोटा वाला डायमीटर था वो कितने का दिया हुआ है, 42.5 का, ठीक है। तो यहां से लेके ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट 42.5 का है, ठीक है। फिर हमें 1.5D
इधर यहां से यहां 1.5 डी छोड़ना है, ये किसके लिए है, ये हमारे थ्रेड थ्रेड शो कर रहा है, ठीक है, यहां से 1.5 डी थ्रेड शो करने के लिए, यहां से ये भी ऐसे छोड़ दिया हमने थ्रेड शो करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने इस साइड अंदर का डायमीटर बनाया वैसे हमने इस साइड भी बना दिया और थ्रेड अंदर छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा बन गया मेन कास्टिंग, ठीक है। अब हम इसके अंदर वॉल वॉल सीट फिट करेंगे। अब आप यहां से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो वॉल सीट ड्रॉ करने के लिए वॉल सीट का डायमेंशन देखेंगे, यहां से लेके यहां तक की इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी दी हुई है, 25 mm दी हुई है, ठीक है, 25 mm दी हुई है। और इसका डायमीटर सबसे बड़ा वाला कितना है, 42.5 × 1.5 डी, जैसे कि इसमें हमारा दिया हुआ है 42.5 × 1.5 डी, ठीक है। तो मतलब ये जो हमारा ये बॉक्स है इसमें फिट हो जाएगा, जो यहां से यहां तक बॉक्स है, ठीक है, ये थ्रेड है 1.5 डी, ये भी थ्रेड है 1.5 डी, ठीक है, इसे छोड़ देंगे क्योंकि ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये ड्रॉ हो सकता है हमारा, इसके अंदर फिट हो गया। लेकिन इसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, इसमें हमारी दी हुई है 27 mm, ठीक है, 27 mm दी हुई है हमारी लेंथ, आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 mm दी हुई है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये वॉल है इसमें कितनी दी हुई है, हमारे इस वॉल में 25 mm दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब 2 mm ये पहले ही यहां से नीचे से 2 mm हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले और लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो हमने नीचे से 2 mm लाइन ड्रॉ कर दी यहां तक, ठीक है, तो 2 mm लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा यहाँ पे वॉल सीट है जो फिक्स हो गया, ठीक है, यहां तक का हमारा ये जो ये थ्रेडेड पोर्शन हमारा ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसमें थ्रेड बना देता हूँ, अभी मैंने यहाँ इसे थ्रेडेड पोर्शन से दिखा दिया है। तो यहां से यहां तक हमारी डिस्टेंस कितनी थी हमारी, हमने यहां से यहां तक 25 mm ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो यहां से यहां तक टोटल हमारी 27 mm थी, लेकिन ठीक है, तो 2 mm का हमारा गैप हो गया। अब इसके बाद हम ऊपर का पार्ट ड्रॉ करते हैं इसका, ये हम फुल्ली सेक्शनिंग में बनाएंगे, तो ये वाला हमारा हाफ सेक्शनिंग में दे रखा है वॉल सीट, तो हम जैसा इस साइड है वैसा हम इस साइड भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम ऊपर का काम शुरू करते हैं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी यहां से ऊपर 5 mm हम इसमें मार्क कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पॉइंट से ऊपर मार्क करते हैं कितने, 9.5 mm तक सबसे पहले। तो 9.5 mm हमने यहां से यहां तक मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वॉल है वॉल सीट है इसका बड़ा डायमीटर यहां से लेके यहां तक का कितना दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 62.5, तो हम इसको एक्सिस मान के 62.5 को हाफ इधर डिवाइड करते हैं, हाफ इधर डिवाइड करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसे रख के अब यहां से 62 इधर करते हैं, ठीक है। तो 62.5 को हम डिवाइड करते हैं, 62.5 ना लेके इसे हम कितना ले लेंगे, 62 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें डायमेंशन 62.5 को 62.5 का हाफ कितना होता है हमारा 31.25, जो कि हम नहीं ले सकते ड्राफ्टर की हेल्प से, ठीक है, तो हम इसे 31 इधर 31 इधर ले लेते हैं, 62 का डायमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 62 का डायमीटर लेंथ ड्रॉ कर दी यहां से लेके यहां तक, एक्सिस को हाफ हाफ डिवाइड करके इधर उधर 31 इधर 31 इधर। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 9.5 mm थी, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आएंगे और इस पॉइंट से हम मिलाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको मिला के दिखाता हूँ लाइट पेंसिल से। देखिए ड्राफ्टर को हमने यहाँ पे सेट किया इस पॉइंट पे और दूसरी तरफ इस पॉइंट पे, और इसको क्या किया हमने लाइट पेंसिल से इसे ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये हमारा मिल गया। सेम एज अब इस साइड से भी मिला देते हैं, तो इतना हमने ऐसे मिला दिया। अब जो हमारा यहाँ पे से फिलेट के टाइप में यहां से ऐसे फिलेट है, ठीक है, ये कॉर्नर नहीं है, तो हम इसको ऐसे हल्की लाइट पेंसिल से फिलेट ड्रॉ कर देते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, और फिर इसको डार्क ड्रॉ करेंगे सेम एज इस साइड से भी। तो हमारा ये फिलेट ड्रॉ हो गया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ हो गया जैसे कि हमारा इसमें गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, जो ये पॉइंट है यहां से यहां तक की कितनी है, 5 mm है, ठीक है, तो यहां से ऊपर 5 mm मार्क करते हैं। हमने यहां से यहां तक 5 mm मार्क किया, अब इस पॉइंट से भी 5 mm मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने ड्राफ्टर सेट किया और इस पॉइंट पे भी हमने 5 mm हमने मार्क कर लिया, ठीक है, हमारा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हम ऐसे ही पहले मिलाते हैं, ठीक है, और फिर इसको सीधा लेके आएंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ने के बाद क्या करेंगे, अब अंदर का हमारा जो वॉल सीट का डायमीटर है वो देखते हैं कितना है, यहां से यहां तक का डायमीटर, ये मतलब इस पॉइंट से जो थ्रेडेड है फिर यहाँ पे भी कहीं थ्रेडेड होगा, थ्रेडेड के बाद ये जो पोर्शन है गैप है कितना है, 28 है, ठीक है।
तो हम यहाँ से 28 mm का एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं सबसे पहले। 28 का हाफ इधर, 28 के इधर, मतलब 14 का हाफ इधर, 14 का उधर। तो 28 mm का हमने यहाँ से यहाँ तक डायमीटर मार्क कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस डायमीटर को हम लिमिट तक, एक लेंथ तक ऊपर ड्रॉ करेंगे। कितने तक? 23 mm तक ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सॉरी 23 नहीं 29, क्योंकि हमारा डायमेंशन है यहाँ पे, जो करेक्ट डायमेंशन है जो हमें गिवन है 58 है, 58 का हाफ 29, ठीक है। तो हमने इसको 29 mm ड्रॉ कर दिया दोनों साइड ऊपर। अब जो हमने यहां से यहां तक ऊपर 5 mm मार्क किया था और यहां से 5 mm मार्क किया था, इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन का हमें क्या दिया हुआ, 3 mm की लाइन दी हुई है यहां से ऊपर। तो हम यहां से 3 mm से मार्क करते हैं इसी 5 mm की लाइन पे, ठीक है। और जो ये 5 mm वाली लाइन थी इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो ये पॉइंट हमें मिला है इनको मिला लेते हैं लाइट पेंसिल से, ठीक है। मिला लिया हमने लाइट पेंसिल से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 mm लेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पे इससे 2 mm हमें ऊपर लेना है, इसके बीच की डिस्टेंस ये और इसकी डिस्टेंस हमें 2 mm दे रखी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें ये एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए 2 mm ऊपर लेते हैं। 2 mm ऊपर लेने के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, ऐसे अपने डी को, और 45 डिग्री का एंगल मार्क करेंगे, ठीक है। हमने 45 डिग्री एंगल माफ किया, मार्क कर लिया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट लाइन को मिला देंगे ऐसे हल्की सी, ठीक है। इस पॉइंट फिर इसके पैरेलल लाइन खींचनी है हमें, सेम है इधर भी 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो दोनों साइड 45 का एंगल बना दिया, ठीक है। तो मैंने ये डी से एंगल बनाना इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों को ड्राफ्टर से एंगल लेना नहीं आता है, ठीक है। तो डी से आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। जो हमने अब क्या करेंगे, जो 2 mm ऊपर मार्क किया था उस पॉइंट को हम यहाँ मार्क कर लेंगे और यहाँ मार्क कर लेंगे, और इसके ऊपर की डिस्टेंस जो हमें ये है इसको लाइन मिटा देते हैं। इसको मिटाने का जो यहाँ पे पॉइंट हमने किया है 2 mm के सीध में, इसको हम सर्टेन लेंथ तक बढ़ाएंगे इधर से और इधर भी, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये हमारी है यहाँ से यहाँ तक 3 mm, 3 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 mm। अब इस पॉइंट पर हम फ्री हैंड एक सर्कल ऐसे बना देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे मिला देंगे हम, ठीक है। फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 mm मार्क कर लेंगे, और यहाँ से 5 mm ऊपर तक, और हम इसे बना देंगे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस पॉइंट से लाइन खींची हमने नीचे तक और इसे बना देता हूँ। तो अपना यहाँ तक का ये ड्रॉ हो गया नीचे से, लेकिन इसकी मेन हाइट कितनी है हमारी, 41 mm है। तो अब हम जो इस पॉइंट से, जो हमारा ये वॉल सीट की स्टार्टिंग बेस पॉइंट है, यहाँ से 41 पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, ड्राफ्टर से। और हमने इसे मार्क किया, इस पॉइंट को मार्क किया, ठीक है। अब इस पर हम अपना ये जो इसके पैलर लाइन खींचते हैं और इसको एक्स बना देते हैं, ठीक है। पहले डायमीटर हमने खींचा, ठीक है, और जो ये लाइन है हमारी ये बढ़ा देते हैं अब, ठीक है, ऐसे हमने बढ़ा दी, ठीक है, इधर से भी, ठीक है, हमने बढ़ा दी। और जो ये अंदर की लाइन है ये मिटा दी, ये लाइन हमने इसलिए खींची थी ताकि हमें ये जो डायमेंशन हमें बनाने थे ये इजीली हमारे बन जाएं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चाहें तो ये लाइन ना बनाएं, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो हमारा ये इसके अंदर वॉल सीट हमने बना दिया। अब वॉल सीट के अंदर हम अपना वॉल फिट करेंगे। तो वॉल की सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखेंगे कितनी है, 27 mm है। मीन्स ये जो एंगल है हमारा, यहाँ से एंगल हमारा ये है, इसमें भी हमारा एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ से नीचे तक कितना है, 27 mm, ठीक है। तो इसके एंगल की डिस्टेंस कितनी दी है वॉल की, 2 mm इसकी भी दी हुई है। मतलब ये तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 mm था, हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, आप देखिए, ठीक है।
यहाँ पे, और इसमें वॉल में भी हमारा 27 mm ऊपर से डिस्टेंस है, जिसका 2 mm हमारा कट गया, मतलब 25 mm। इस पॉइंट से 25 mm नीचे मार्क करते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट से हमने 25 mm नीचे मार्क किया, तो हमारा यहाँ आया, ठीक है। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, क्योंकि हमारी ये थी हमारे यहाँ से यहाँ तक थी 29 mm, तो 25 mm आया, तो 4 mm का 4 mm का हमारे यहाँ पे गैप है, तो 4 mm का यहाँ पे गैप नहीं आएगा, क्योंकि वॉल सीट के अंदर वॉल पूरा बेस तक फिट होता है हमेशा, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो आप यहाँ से डायमेंशन एज्यूम कर सकते हैं कि बेस वाला नीचे तक आ गया, तो ये बेस का पूरा हमारा ये पूरा बेस यहाँ से यहाँ तक वॉल सीट के अंदर का जो ये पार्ट है पूरा यहाँ से वॉल फिट हो गया, ठीक है। जो डायमेंशन है हमारा नीचे यहाँ से 27 mm, इसको आप अप्रोक्स में बढ़ा देना, ठीक है, क्योंकि नीचे से 25 25 से यहाँ से आप इसे यहाँ से यहाँ तक का आप 29 कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारे बैट पूरा 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 का पूरा बेस तक सेट होगा, ये वॉल वॉल पूरा, क्योंकि वॉल सीट के अंदर सेट होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशनिंग बुक में गलत दी हुई थी, ठीक है। PS गिल बुक है, मशीन ड्राइंग की, ठीक है, अच्छी बुक है, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीजों में थोड़ी बहुत गलतियां निकल जाती हैं, तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा आप। और जो वॉल का डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 56 होगा, क्योंकि वॉल वॉल सीट के अंदर ही फिट होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 56 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 56 दिया था, फुल में 56 दिया था हमारा, तो 56 का हाफ कितना हो गया हमारा, 56 का हाफ हो गया हमारा 26, ठीक है, सॉरी 56 का हाफ 28 हो गया हमारा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 28 mm हो गया वॉल सीट का डायमीटर नीचे वाला, वॉल सीट का अंदर का डायमेंशन 28 28 mm हो गया, और वॉल का डायमेंशन भी 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन वॉल का हो गया पूरा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वॉल के अंदर भी हमारा थ्रेड शो किया हुआ है, लेकिन हम इसे थ्रेड नहीं शो करेंगे, यहाँ से एक हल्की लाइन खींचेंगे और यहाँ से हल्की लाइन खींचेंगे जो कि हमारा थ्रेड का पोर्शन शो कर रही है, ठीक है, वॉल के अंदर। तो हम वॉल का, क्योंकि हमारे वॉल के अंदर यहाँ पे थ्रेड थ्रेड का पोर्शन दे रखा है, थ्रेड की लाइन खींच रखी है, हिडन लाइन, ठीक है, तो हम ऐसे शो कर रहे हैं इसे, और यहाँ से यहाँ तक इसको एक एंगल में ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि हमारा ये दिया हुआ है अप्रोक्स में, हमारा नीचे से 28 कितना 19 mm दे रखा है, तो हम इसको जैसे कि हमने 4 4 4 mm बढ़ाया, तो 19 का यहाँ से 23 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से 23 लेंगे, क्योंकि हमारा ये हमारा 27 नीचे 25 mm था, 25 mm था, क्योंकि 27 में से 2 गए, 25 बचा, यहाँ से नीचे तक 25 mm था, लेकिन यहाँ पे 29 mm था, 29 प्लस 4 25 प्लस 4 29 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ जो हमारा ये पॉइंट आया यहाँ से 19 mm यहाँ पे इसे मिलाना है, इसको हम 23 कर देते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। तो 23 mm हमने कर लिया, और ये जो लाइन थी हमारी ये 112 mm वाली, इसको हम फिलहाल अंदर से इसे मिटा देते हैं सबसे पहले। और जो इस पॉइंट से हमने 23 mm यहाँ पे मार्क किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 19 दिया हुआ था, तो 19 में 4 प्लस किया, क्योंकि हमें 4 हमारा डायमेंशन 4 4 कम दिया था, 4 mm कम दिया था इसमें, तो इस पॉइंट से अब इस पॉइंट को हम इसको यहाँ से यहाँ इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया और इस पॉइंट को इससे मिला दिया, अब हमें देखेंगे कि हमारा यहाँ से यहाँ तक ये कुछ थिकनेस में है, ये पूरा नहीं मिला हुआ इससे, तो कितना कितना है हमारा यहाँ पे 3 mm का हमें हमें दे रखा है, तो 3 mm को हाफ डिवाइड करते हैं, डेढ़ इधर करके, और इसको लाइन को नीचे ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने इस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, और इस पॉइंट को जो हमने यहाँ से इसे मिलाया था इसे डार्क कर दिया, और इस पॉइंट से भी इसे डार्क कर दिया, ठीक है, सेम एज इस साइड भी। क्या करेंगे हम अपने वॉल को देखेंगे, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक 27 mm था, जो कि हमारा गला डायमेंशन था हमें पता चल गया, लेकिन अब जो हमारा ये पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा जो था 27 mm जो हमें यहाँ पे अभी दिया है, इसके इसके हिसाब से इसके ऊपर हमें 1.5 mm ड्रॉ करना है, तो हमें इस पॉइंट से यहाँ तक 1.5 mm ड्रॉ करना है, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इस पॉइंट से 1.5 mm, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, ठीक है, 1.5 mm ड्रॉ कर दिया। अब जो यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है हमारा, डायमीटर है कितने का हमारा, यह है हमारा 31 का, अब इसके ऊपर हमें एक और डायमीटर ड्रॉ करना है 35 mm का, तो इस पॉइंट से होते हुए 35 mm की एक लाइन खींचते हैं, लाइन मतलब डायमीटर ड्रॉ करते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। तो 35 mm का हाफ कितना हो गया हमारा, हमारा हाफ हो गया 17.5, तो उसके लिए हमने ड्राफ्टर सेट किया और इस पे पॉइंट मार्क किया, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाया, और इसको
हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये हमारा इतना ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें ये पॉइंट मिला है इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, कितने mm उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जो है 35 का डायमीटर है, इसके ऊपर की लेंथ कितनी गई हुई, 3 mm गई हुई है, तो इस पॉइंट से 3 mm ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब इसको ड्रॉ करने के बाद इसको एक लाइट पेंसिल से हम इसको मिला देंगे। इसको मैंने लाइट पेंसिल से क्यों मिलाया, क्योंकि इस लाइट पेंसिल को हम बाद में मिटा देंगे। लेकिन क्यों क्यों मिलाया, क्योंकि हमें इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो हम एक ऐसा पॉइंट यहाँ से मान लीजिए हमने इसको एक सर्टेन लेंथ तक इतना बढ़ा दिया, इसको इतना बढ़ा दिया, अब यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बने। और इससे और इसके बीच में डिस्टेंस हमारी कितनी होनी चाहिए, ये हमारी डिस्टेंस हमारी 3 mm दी हुई है, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 mm लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक, और इसको इस पॉइंट पे मिलाते हैं जो कि अपने आप 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक तो ये ट्रिक हो गई अपनी बनाने की, लेकिन एक इजी ट्रिक ये भी है इसको बनाने की, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है अगर ना बने तो, जो हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ बढ़ाई थी, ठीक है, और इतनी ही इसके पैरेलल लेके इसको मार्क कर लेंगे, और सेम एज इस साइड भी हम इसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट हमें मिलेगा इस पॉइंट पर हम इसे लाइन खींच देंगे, डार्क कर देते हैं सबसे पहले। इसके बाद क्या करेंगे, अब जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट से 3 mm ऊपर लेंगे, ठीक है, 3 mm ऊपर हमने यहाँ से मार्क किया, और इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, ठीक है। तो हमने मिला दिया, अब कुछ है हमारा ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जो अंदर की हमारी ये लाइन है इसे मिटा देते हैं, तो ये हमारा गैप के अंदर वॉल सीट बन गया, और वॉल सीट के अंदर हमारा वॉल बन गया। अब सेम एज इसमें भी हम बना देंगे वॉल सीट और वॉल सेम एज जैसे इसमें बनाया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना आई बोल्ट लगाएंगे, ठीक है, जो ये हमारा गिवन है। तो आई बोल्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो आई बोल्ट का हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सबसे पहले वॉशर लगा है ये बनाएंगे। कितना दिया हुआ डायमेंशन इसका, ये हमें दिया हुआ है 25 mm का डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं 25 mm कढ़ाया, हाँ 25 का हाफ इधर, 12.5 12.5 उधर, तो 25 mm का हमने डाया मार्क कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी वॉशर की हाइट कितनी थी हमारी, ये 3 mm हाइट दी है, तो 3 mm हम ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो 3 mm ऊपर ड्रॉ करके इसको मिला दिया। ये हमारा 25 का डाया है और 3 mm की हाइट है, थिकनेस भी मान सकते हैं आप इसे। अब वार्सल बनाने के बाद क्या करेंगे, वार्सल के ऊपर ये गैप दिया हुआ है, ये कितने डिस्टेंस है इसके यहाँ से यहाँ तक, इसके साइड व्यू में देखेंगे, ये 6 mm के ऊपर यहाँ से यहाँ तक 6 mm के ऊपर मार्क करते हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका डाया कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 19 mm का डाया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक 6 mm मार्क किया, उसके बाद 19 mm का डाया बनाएंगे, 19 mm का डाया बनाया। अब इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको नीचे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमारा फ्रंट व्यू में भी कुछ डायमेंशन दे रखा है, इस पॉइंट से 12.5 mm, तो इस पॉइंट से 12.5 mm ऊपर ड्रॉ करेंगे, और जिसका डायमीटर हमारा सेम होगा जहाँ पे हमारा एक और सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसी डायमीटर पे हम 12.5 mm यहाँ से 12.5 mm ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो 12.5 mm इस पॉइंट से ऊपर मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इधर मार्क किया और एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाला एक्सिस हमें यहाँ से मिल गया हॉरिजॉन्टली। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो अपना ये वाला एक्सिस था हमारा, ये वाला डायमीटर था हमारा, इसको ऊपर ड्रॉ कर देंगे, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक ऊपर ड्रॉ, इस पॉइंट से यहाँ तक ऊपर ड्रॉ, इसको हमने ऊपर मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक यहाँ इस पॉइंट से 12.5 mm हो गया, अब उसके इस पॉइंट से जो ये पॉइंट है यहाँ से हमारी डिस्टेंस कितनी है, 15.5 mm, तो यहाँ से 15.5 mm मार्क करते हैं, तो इस पॉइंट से 15.5 mm मार्क की, ठीक है, मार्क कर लिया हमने। अब इसके बाद इस पॉइंट से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का डायमीटर का, हमारा डायमीटर होगा 6 mm का डायमीटर होगा, ठीक है। तो उसके लिए कंपास में 6 mm का डायमीटर लिया, इस पॉइंट पे रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है, ड्रॉ हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये पॉइंट है इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, इतना ड्रॉ होने का। अब इस पॉइंट पे हमारा एक सर्कल दे रखा है, कितने का डायमीटर है वो, 6 mm का डायमीटर है, तो 6 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ,
इतना छोटा डायमीटर है, आप चाहे फ्री हैंड भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो 6 mm का डायमीटर मैंने फ्री हैंड ली ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर भी हमारा एक सर्कल है, वो ये सर्कल हमारा कितने का है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारा इससे छोटा है, तो हम इसे छोटा ड्रॉ कर देते हैं। ये 3 mm का हमारा सर्कल है, ठीक है, 3 mm का सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जो हमारा आई बोल्ट है ऊपर का हमारा काम खत्म, अब ये नीचे का ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 10 mm की दे रखी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी है ये हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारी 12.5 mm है, तो मतलब 12.5 mm यहाँ से यहाँ तक हो गई। और उसके बाद हमारी कितनी डिस्टेंस है, 23.5 है, तो 10 mm यहाँ गए और 12.5 मतलब 2.5 mm यहाँ बचे, 10 mm यहाँ ड्रॉ गया। कैसे ड्रॉ होगा मैं बताता हूँ, पहले 10 mm यहाँ से नीचे मार्क कर लेते हैं, 10 mm मार्क कर लिया, इतना बचा। अब क्या करेंगे, अब जो ये पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया, इस पॉइंट से हम 23.5 mm नीचे ड्रॉ करते हैं। तो 23.5 mm मार्क कर लेते हैं फिर इस पॉइंट से, साढ़े 23 mm हमने यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है। और इसका डायमीटर हमारा आई बोल्ट का कितना है, हमारा डायमीटर है 20, और इसका डायमीटर भी हमारा सॉरी 20 है, तो 1/2 रेशियो बना रहे, तो 10 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 10 है, तो हमारा सेम डायमीटर है, तो हम इसको सीधा ही ड्रॉ कर देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, हमारा डायमीटर ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद इसको फिलेट ड्रॉ कर देते हैं हल्की हल्की फ्री हैंड, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा ड्रॉ हो गया, अब इसको डार्क कर देता हूँ बस। और जो 10 mm हमने मार्क किया था उसको हम क्रॉस, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था, इसको या तो पूरा को दिखा दीजिए या फिर सिर्फ 10 mm को हमने मार्क करके यहाँ से इतना मार्क किया और इसको यहाँ से यहाँ क्रॉस दिखा दिया, यहाँ से यहाँ इसको क्रॉस दिखा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा शो हो गया हमारा। इस थ्रेड पोर्शन को आप लास्ट में भी थ्रेड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें बीच में गैपिंग दिखा के, ठीक है, ऐसे गैपिंग दिखा के जैसे मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये हमारा असेंबली में आई बोल्ट बन गया, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने वॉल सीट अपना बनाया था और वॉल बनाया था, अब इसमें हम अपना फलक्रम बनाएंगे, ठीक है, फलक्रम बनाएंगे, ठीक है। तो फलक्रम की डिस्टेंस कितनी है, सबसे पहले नीचे से ऊपर तक ये 5 mm है, फिर उसके ऊपर 5 mm है, तो मतलब हम यहाँ से पूरा 10 mm ले लेते हैं, ठीक है, मार्क करते हैं सबसे पहले। तो इस पॉइंट से हम 10 mm मार्क करते हैं, यहाँ पे हमारा 10 mm हो गया, एक 5 mm का मार्क लगा देते हैं, 5 mm का मार्क लगा दिया, एक 10 mm का लगा दिया, ये हमारा इतना मार्क हो गया। अब जो नीचे से 10 mm का ऊपर मार्क था क्योंकि 5 mm ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और 5 mm ऊपर तक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक 5 mm, यहाँ से यहाँ तक 5 mm, जो ये पॉइंट है हमारा, इसका डायमीटर कितना होगा हमारा, 12.5 का डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से, ठीक है, 12.5 का डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, हाँ, 12.5 हाफ इधर, 12.5 हाफ उधर। आप इसे अप्रोक्सीमेट आप इसे अप्रोक्सीमेट 13 ले लेना 12.5 को, तो 6.5 का डायमीटर इधर, 6.5 का हाफ इधर, तो डायमीटर ड्रॉ हो जाएगा हमारा 13 का, ठीक है। ये वाला हमारा 12.5 का हो गया, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट 13 ले लिया। और इस पॉइंट पे हमारा डायमीटर कितना है, इस पॉइंट पे हमारा है 5 mm का डायमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर हमारा 5 mm है, तो हम यहाँ पे 5 mm का डायमीटर बनाते हैं, ढाई इधर ढाई उधर। तो अब जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, इससे होते हुए, तो यहाँ मिलाया और इस पॉइंट को भी हमने यहाँ मिलाया, ठीक है, ये हमारा ऐसे मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से लेके जो हमारा ये 10 mm 12.5 mm का डायमीटर है, यहाँ से ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से हमारी ऊपर तक की डिस्टेंस है 19 mm डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 19 mm है, ठीक है, जिसका डायमीटर 12.5 mm है, ठीक है। तो हम मार्क करते हैं 19 mm, तो हमने यहाँ से यहाँ 19 mm मार्क किया, इसको मार्क कर लिया, ठीक है, यहाँ और लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम इसको फिलेट ड्रॉ कर देते हैं, वो भी कैसे, 12.5 का हमारा डायमीटर है टोटल, तो 12.5 का हाफ मतलब 6.25 का डायमीटर, हमने यहाँ से यहाँ तक 13 का ले लिया था, तो ये हमारा 13 का डायमीटर, तो हम इसको 6.5 का रेडियस लेके इसको एक फिलेट ड्रॉ कर देते हैं,
तो हमने 6.5 का ये डायमीटर रेडियस लिया और इसको इस पॉइंट पे रखा और एक फिलेट ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ ऐसे, ठीक है, हमारी फिलेट ड्रॉ हो गई। और इसके बाद यहाँ पर हमें डायर ड्रॉ करना है, कितने का, 6 mm का हमें यहाँ पे डायर देना है। ये जो हमारे सर्कल है 6 mm का है डाया, ठीक है, तो हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देते हैं। 6 mm का डाया ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा फलक्रम भी लग गया, असेंबल हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके बाद इस फलक्रम के ऊपर अपना जो हमारा है आर्म है, लीवर है, वो बनाएंगे, ठीक है। लीवर हमारा गिवन है, ये ड्रॉ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जैसा कि यहाँ पे वॉल सीट और वॉल ड्रॉ किया था, वो इस साइड भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बस इसको इसको नहीं ड्रॉ किया हमने फलक्रम को। और यहाँ पे जो हमारा आई बोल्ट था, इसमें हमने जो हमारा ये दो नट थे, एक था हमारा लॉक नट था, दूसरा नट था, ठीक है, वो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अब इसके बाद हम इसमें अपना ये लीवर फिट करेंगे। लीवर लीवर फिट करने के लिए हमने इस पॉइंट पर एक एक्सिस खींचा, ठीक है, जो कि हमें ये पॉइंट ये एक्सिस दिखाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ से लेके ये जो हमें हमारी ये रेडियस है सेमी सर्कल का कितना है, 8 mm है, तो इस पॉइंट से हम 8 mm का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो कंपास में हमने 8 mm लिया और इस पॉइंट पे रखा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक सेमी सर्कल हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे हमारी ये जो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 50 mm दी हुई है, जो कि इसके इक्वल है। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना था, 50 mm, तो ये भी हमारे यहाँ से यहाँ तक 50 mm था, तो यहाँ से यहाँ तक 50 mm। हम इसको मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मार्क कर लिया। इसके बाद क्या देखेंगे कि जो हमारा ये जो सेंटर है, यहाँ से ऊपर कितनी डिस्टेंस तक है, ये इसकी डिस्टेंस हमारी ये है हमारी 16 mm गिवन है, ठीक है। इस पॉइंट से, इस सेंटर से हम 16 mm मार्क करते हैं। अब जो हमने इस पॉइंट से यहाँ ऊपर 16 mm मार्क किया, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे हम टेपर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हमने इसको टेपर्ड फॉर्म में मिला दिया। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये सर्कल है, ठीक है, 6 mm का है हमारा सर्कल डाया, 6 mm डाया का, वो सेंटर से नीचे कितने तक है, 8 mm, तो मतलब यहाँ से नीचे 8 mm मार्क करते हैं। तो हमने इस सेंटर से यहाँ 8 mm मार्क किया और इस पर एक 6 mm डाया का सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं जो हमें यहाँ पे ऐसे बनाना है, ठीक है। आप इसे फ्री हैंड भी बना सकते हैं, तो मैं इसे फ्री हैंड ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। 6 mm का हमारा डाया हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा ये पॉइंट है, इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल से। पहले इसका आगे का हमारा बहुत काम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दिया अभी, ठीक है, मीन्स ड्रॉ कर दिया। इतना तो ड्रॉ हो गया, इजी था यहाँ तक ड्रॉ करना, लेकिन हमारा मेन काम है ये जो हमारे ये पोर्शन है, ये ऐसे कैसे ड्रॉ हुआ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पूरा डायमेंशन ही दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ से लेंगे, जो ये पॉइंट है हमारा सेंटर से 8 mm नीचे, यहाँ से इतना 9 mm है, फिर उसके नीचे 5 mm का ये गैप है, ठीक है। 5 mm मतलब ये वाला जो गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 9 + 5 कितना हो गया, 14 mm, 14 mm का हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से नीचे 14 mm मार्क करते हैं, 14 mm मार्क कर लिया और इस यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा 14 mm है, तो इसके नीचे हमें 6 mm और जाना है, तो यहाँ से 6 mm मार्क करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमने यहाँ 6 mm मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी हमारी 6 mm है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 6 mm है ये। तो हम 6 mm का एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर, 3 mm इधर, 3 mm इधर, ठीक है, ये बॉक्स हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस बॉक्स के ऊपर हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से 3 mm ऊपर का, ठीक है, अप्रोक्स में, ठीक है, यहाँ से 3 mm ऊपर जो हमें ये फिलेट टाइप में दे रखा है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब क्या देखते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है यहाँ पे, जो दूसरा था, इस पॉइंट से यहाँ तक की एक आर्क रेडियस है कितना, 8 mm का। तो हम इस पॉइंट से कंपास खोलेंगे 8 mm का और एक आर्क ड्रॉ करते हैं। 8 mm की हमने ये आर्क खोली और इस पॉइंट पे रखी और एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, हल्की सी आर्क ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद जो हमारा ये ऊपर का ये कर्व है,
उसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? हमारी है ये सेंटर से 11 mm तक की, ठीक है। तो हम यहां से 11 mm मार्क करते हैं। तो यहां से 11 mm हमने मार्क किया, और सेम एज हमारा ये दूसरी साइड भी हमारा फिलेट है जो कि सेम डायमेंशन का होगा, ठीक है। तो हम यहां से भी 11 mm मार्क कर लेते हैं। तो इस साइड भी मैंने 11 mm मार्क कर लिया। अब जो ये पॉइंट है इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो हमने इस पॉइंट्स को मिला दिया। अब देखेंगे हमारा इस पॉइंट पर भी आर्क है और इस पॉइंट पर भी आर्क है, वो कितना आर्क है हमारा? 9.5 mm। तो आप इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देना ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर दी फ्री हैंड, और अब इस पॉइंट को डार्क कर देंगे, सेम है इधर भी ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरफ भी ड्रॉ कर दी हमने इसको, यहाँ पे 9.5 कंपास से इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि हमने एक बार नीचे कंस्ट्रक्शन दिखा दिया था। तो हम बाकी असेंबली हम फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बस डाइमेंशनिंग आप शो कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी असेंबली में ये डाइमेंशनिंग शो करना इजी नहीं होता क्योंकि टाइम नहीं बचता हमारे पास, और हमारा डाइमेंशनिंग शो करने से भी हमारा जो ये हमारा असेंबली है ये बेकार दिखता है, इसलिए नहीं शो करते, ठीक है। तो इसे आप फ्री हैंड ही ड्रॉ करना। अब इसके बाद इन लाइन्स को डार्क कर देता हूं मैं। तो इस लाइन को हमने डार्क कर दिया। अब जो ये अंदर इसकी हमारी ये लाइन है अंदर की, इसको मिटा देंगे और इनको भी हम मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। जिन जिन को मैंने मार्क किया इनको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये लीवर के अंदर आ जाएगा तो हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे मिटा दिया। हमने इस लाइन को इसलिए नहीं मिटाया, पहले बताया था, क्योंकि ये जो हमारा पोर्शन है ये इसके अंदर होगा, क्योंकि इसका साइड व्यू देखना फलक्रम का कि ये इसके अंदर ये फिट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे यहां से लेके यहां तक का पोर्शन है तो ये इसके बीच में है, तो बाहर जो होगा हमारे ये फलक्रम होगा तो ये दिख रहा है, और ये जो ये हमने इसको मिटा दिया ये हमारा हिडन होगा, तो इसको हमने शो नहीं किया, ठीक है। यहां से लाइन इतना ड्रॉ हो गया हमारा लीवर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 50 mm है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये नीचे हमने यहाँ पे ये जो हमने ड्रॉ किया था रेडियस 50 mm का था, ठीक है। सेम एज यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी 50 mm, हमारी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी 50 mm गिवन है यहां से यहां तक, ठीक है। तो हमारा जो ये पॉइंट होगा ये भी हमारा इसके सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके डिस्टेंस हमारी कितनी है इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से 9 mm नीचे यहां से यहां तक की, और प्लस 5 mm, ठीक है। पहले यहां से यहां तक 9 mm नीचे, फिर इस पॉइंट से 5 mm नीचे, तो मतलब 14 mm हो गया। तो हम यहां से 14 mm मार्क करते हैं सबसे पहले। तो जब हमने 14 mm मार्क किया तो यहां से लेके यहां तक आया वो, ठीक है, 14 mm। इसके बाद हमने क्या किया, मार्क कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो यहां से लेके यहां तक 9 mm का ये डिस्टेंस है, इसका डायमीटर हमारा कितना है 5 mm का। तो हम यहां से यहां नीचे 9 mm मार्क करते हैं और 5 mm का एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, मतलब ढाई इधर, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट से नीचे 9 mm मार्क किया, और यहां से लेके यहां तक का ये डायमीटर हमारा कितना है 5 mm का डायमीटर है, जो कि हमारा यहाँ गिवन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और अब जब हम ये यहां से लेके यहां तक हमारा 5 mm है, इसको डायरेक्ट मिला देते हैं, ठीक है, फ्री हैंड इसको हमने मिला दिया, क्योंकि ये टेपर्ड में फॉर्म में आके ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे गिवन है। अब इसके बाद जो हमारा ये फिलेट है, ये 6 mm की फिलेट है, ठीक है, यहाँ पे जो लगी है, तो हम इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर देते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी, ठीक है, इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसको डार्क कर देते हैं हम। तो हमारा ये फलकम का ये पोर्शन भी रेडी हो गया। अब इसके बाद जो क्या करना है हमें, ये जो हमारी ये लाइन बनी है इसका डायमेंशन हमें नहीं पता, लेकिन यहां से यहां तक का इसका डायमेंशन पता है, और इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ इस पॉइंट से 137, लेकिन हम इतना बड़ा लीवर दिखा नहीं सकते, तो इसको बीच में ब्रेक करेंगे और इसको यहां तक पहले टेपर ड्रॉ करता हूं मैं बनाने के लिए। टोटल सबसे पहले यहां पे टेपर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, जो कि हमने यहां इसे मार्क कर लिया 16 mm, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। तो इस पॉइंट को इससे मिला दिया, अब इस पे दो लाइन खींच देते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट ऐसी
और सेकंड इसके थोड़ी पहले की, ठीक है? तो मैं ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद इसको टेपर में ले जाके हम खत्म कर देंगे। कितने एमएम का? हम इसको 8 8 एमएम का ड्रॉ करेंगे। यहाँ से 8 एमएम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 8 एमएम मार्क किया और इसको बीच में ब्रेक कर देते हैं। अब लाइट पेंसिल से हमने बीच में दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और एक पार्ट को इससे यहाँ इससे मिलाते हैं और दूसरे पार्ट को इससे मिलाते हैं, ठीक है? मिलाने के लिए क्या किया, इस पॉइंट पर हमने डी को रखा या फिर अपने ड्राफ्टर को, और इस पॉइंट पे ई को रखा और एक लाइन हमने यहाँ पे पूरी ड्रॉ कर दी, ठीक है? इस पॉइंट से और फिर इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है? अब इस पोर्शन को हम ब्रेक में दिखा देंगे तो हमारा ये फुल डाइमेंशनिंग हो गया, और जो बीच की लाइन है हम इसे मिटा देंगे। तो हमारा यहाँ से यहाँ हम इसे शो कर सकते हैं अपनी जो हमें मेथड है उसके इक्वली 137.5 mm, ठीक है? ये हमारा मेथड होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस को हम ऐसे ब्रेक करके दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लीवर ड्रॉ हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या क्या रहना क्या ड्रॉ करना रह गया है, हमें ये हमें जो ये लिंक सेफ्टी लिंक है ये ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से यहां तक, ठीक है? जिसका डायमीटर हमारा कितना दिया हुआ है, 6 mm इसके अंदर है ये वाला, और ये भी 6 mm है, ठीक है? तो इसकी डिस्टेंस हमें नहीं दी हुई है, तो इसकी यहां से यहां तक का लेंथ लेंथ नहीं दी हुई है, तो हम इसको एज्यूम करके ड्रॉ कर देंगे इससे। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले लीवर ड्रॉ कर देंगे करेंगे, ठीक है, वॉल के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे डायमेंशन इसका एज्यूम करना पड़ता है। ये बुक में पीएस गिल में नहीं दिया है, और आरबी गुप्ता एक बुक है उसमें 125 है, लेकिन हम इस बुक के इक्वल अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? तो यहां से यहां इसको ड्रॉ कर देते हैं। जिसका डायमीटर कितना है यहां से यहां तक का, 12.5 mm है, तो 12.5 mm का हाफ करके इधर हाफ करके इधर, तो हम इसको यहां से इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? तो जो हमारा सेफ्टी लिंक है यहां से ड्रॉ होगा उसको सेंटर, और इस सेंटर पे, ठीक है, इन सेंटर के बीच में, ठीक है? तो हम इसको ड्रॉ करते हैं यहां से। इसका डायमीटर कितना है, 12.5 mm, तो यहां से इसको यहां तक इसे मार्क किया हमने, तो हमारा ये 12.5 mm आया और ये भी 12.5 mm आया, ठीक है? इसको यहाँ इस पॉइंट तक ड्रॉ कर देता हूँ मैं लाइट पेंसिल से बिल्कुल। तो हमने यहाँ इस सेंटर से सेंटर तक लाइट पेंसिल से इसकी डिस्टेंस ड्रॉ कर दी, ठीक है? जो कि हमें दी नहीं तो अज्यूम करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक इसी से ये फिक्स होता है हमारा, ठीक है? अब इसके अंदर का हमें होल ड्रॉ करना है, ये वाला अंदर वाला ये वाला mm होल, तो हमारा ये कितना दिया हुआ है, 6 mm का होल दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से ये 6 mm का होल ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है, और इस पॉइंट से भी हम 6 mm का होल, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमने 3 mm लिया था, उससे हम 6 mm का टोटल होल बना देते हैं, ठीक है? फ्री हैंड, तो हमने फ्री हैंड टोटल होल बना दिया, ठीक है? तो टोटल होल हो गया। अब ये जो ऊपर वाले हैं इनको लाइट लाइट रखना है, तो इसको हल्का हल्का मिटा देते हैं, और ये अंदर का जो हमारा पार्ट है इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि लिंक इसके ऊपर से लग रहा है हमारा, ठीक है? तो इतना ड्रॉ हो गया। अब बात आई कि हमारी ये जो हमारा ये कर्व दिया हुआ है ऊपर बड़े डायमीटर का सेम सर्कल का, ये कैसे ड्रॉ होगा, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जितना रेडियस होगा उसको खोलेंगे कंपास में और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? तो हमारी ये आर्क ड्रॉ हो गई इसके छोटे वाले डायमीटर में, और इसमें डायमीटर में थोड़ा फर्क लग रहा होगा क्योंकि हमने इसे फ्री हैंड ड्रॉ किया है। अगर कंपास की हेल्प से करते तो और अच्छा ड्रॉ होता, ठीक है? अब ऐसे ही सेम है, नीचे भी ड्रॉ कर देते हैं जो यहाँ के रेडियस से इसे खोलते हैं और सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने ऐसे ही नीचे भी ड्रॉ कर दिया, और जो हमारा ये था आई बोल्ट का ऊपर का डायमीटर इसे हमने मिटा दिया, ठीक है? तो ये हमारा सेफ्टी लिंक ड्रॉ हो गया। अब हमें अपनी ये स्प्रिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है? तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो स्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या, उसका 37.5 mm का हमारा डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से 37.5 mm का एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, 37.5 का हाफ इधर, 37.5 का हाफ इधर, ठीक है? तो जब कैलकुलेटर में 37.5 का हमने हाफ किया तो कितना आया, 18.75, ठीक है? तो आप इसे अप्रोक्स में 19 ले लेना। मीन्स कहने का मतलब ये है 37.5 का डायमीटर ना बना के हम 38 का डायमीटर बना देंगे, ठीक है? क्योंकि ड्राफ्टर से हमें इजी हो जाएगा, सिर्फ इसलिए तो हम डायमीटर बनाते हैं। तो ड्राफ्टर को हमने इस पॉइंट पे सेट किया और एक तरफ इस पॉइंट पे मार्क लगाया और एक तरफ 38 पे लगाया हमने, ठीक है? जो ये हमें पॉइंट मिला इसको ऊपर तक ड्रॉ करते हैं। तो हमारा 37.5 यानी कि हमने जो अप्रोक्स में 38 लिया था उसका डायमीटर ड्रॉ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है? बिल्कुल ही लाइट पेंसिल से हमने ड्रॉ किया इसे। अब क्या करेंगे, हम टॉप व्यू में दोबारा देखेंगे हमारी जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ये डायमीटर कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 5 mm दिया हुआ है। आप इस डायमीटर को भी मत देखना क्योंकि ये यहाँ से एंगल दिया है, तो यहाँ से इसलिए एंगल देने पर 1 mm बढ़ गया, यहाँ पे 6 mm का डायमीटर हो गया इस पॉइंट पे, और साथ में इस पॉइंट पे भी हमारा 6 mm का डायमीटर हो गया है, ठीक है?
इस पॉइंट का ही है, बाकी रेस्ट का हमारा 5 mm का डायमीटर है, ठीक है, ये ड्रॉ करेंगे। और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 87 mm, 87.5 mm, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर 6-7 mm या 2-4 mm इधर उधर हो जाता है कम ज्यादा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सपेंड और वो स्ट्रेस के लिए, तो स्ट्रेस झेलने के लिए, तो इसकी डायमेंशनिंग बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी असेंबली है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डायमेंशनिंग करेक्शन करने की हमें जरूरत होती है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि अगर डायमेंशनिंग हमारी गलत हो गई तो आप एज्यूम कर लेना, मगर आपने अगर ठीक से डायमेंशनिंग ले लेके सब कुछ बनाया होगा, ड्राफ्टर में आपके डिफेक्ट नहीं होगा, तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगी, नहीं तो वो डिफेक्ट तो आना ही है, ठीक है, कोई नहीं, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, बस मेथड पता होना चाहिए। तो स्प्रिंग ड्रॉ करते हैं, जो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, कंप्रेशन टाइप की स्प्रिंग है, ठीक है, तो हम इसमें इसको एक एंगल देंगे 10 डिग्री का स्प्रिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो आप 10 डिग्री से कम भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन 15 डिग्री से ज़्यादा मत लेना एंगल, ठीक है। तो मैंने 8 डिग्री का एंगल ले लिया 10 की बजाय, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम रखेंगे अपना, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट ले लेना जहाँ से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, और इस पर हम लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हमने लाइन खींच दी, लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डायमीटर है स्प्रिंग का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसके बीच की डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 5 mm का गैप लेंगे अब, ठीक है, गैप ले लिया हमने यहाँ से 5 mm का, 5 mm का गैप लेने के बाद ये पॉइंट हमें मिला, अब इस पॉइंट पे हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है, ऐसे हमारा ड्रॉ हो गया। ऐसे हम ऊपर तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 mm है, तो अब इसके ऊपर 5 mm मत छोड़ना, इसके ऊपर यहाँ से इस पॉइंट से 2 या 2.5 mm छोड़ देना, ठीक है, जैसा भी आपको लगे, और फिर यहाँ से एक लाइन खींचना, फिर जो 5 mm वाली लाइन है फिर उसको ड्रॉ करना, ठीक है, 5 mm का, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ हो गया, देखना यहाँ से यहाँ तक की 5 mm है, फिर इसके बीच की 2.5 mm है, फिर 5 mm है, फिर ऐसी आप 2.5 mm छोड़ेंगे, फिर 5 mm, फिर 2.5 mm, फिर 5 mm, ठीक है, ऊपर तक ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो ये ऊपर तक ऐसे ड्रॉ हो गया, अब जो ये 5 mm वाले हमारे गैप थे, इसमें हम ऐसे फिलेट ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है, ऐसे ही 5 mm वाले सब में ड्रॉ कर देते हैं। फिलेट ड्रॉ करने के बाद अब जो ये लाइन्स हैं हम इसे मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे डार्क कर दिया, ऐसे सबको डार्क कर देता हूँ, अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से इस एंगल में हम मिला देंगे, ठीक है, मिला दिया। अब इस पॉइंट को इससे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जैसे कि इससे मिल जाए, ठीक है, ऐसे करके हमने इसे लाइट पेंसिल से मिलाना है, ठीक है, यहाँ से इसे मिला दिया ऐसे, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिला दिया, अब ऐसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है, और ऐसे ही ऊपर तक, ठीक है, सब में मिला देंगे हम। तो ऊपर तक हमने इसे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अब हमने इस पॉइंट से यहाँ तक डार्क किया क्योंकि ये यहाँ से हमारा सेफ्टी लिंक है वो ड्रॉ हुआ है, तो हम इसको डार्क कर देते हैं बीच बीच में, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ऐसे हम इस पॉइंट से जहाँ जहाँ गैप है हमारा 2.5 mm का, तो हमारा स्प्रिंग यहाँ से इतना ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा स्प्रिंग का ये पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका डायमीटर कितना, 6 mm का, ठीक है, ये एंगल पे गया हुआ है, तो हम वो एंगल कहाँ से आएगा, वो हमारा नीचे से, ये जो ये पार्ट है हमारा ऐसे लगा हुआ है, ऐसे घूम के ये हमारा यहाँ से ऊपर आके इसमें टच होगा, ठीक है, तो इसमें हम टच करा देते हैं, जिसका डायमीटर कितना है, 6 mm, और इसका डायमीटर भी हमारा 6 mm था, तो इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारा स्प्रिंग यहाँ से ऐसे ड्रॉ हो गया, इसके अंदर चला गया, ठीक है, जो हमारा ये नीचे का पोर्शन था। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा स्प्रिंग का, यहाँ से ऐसे ड्रॉ होके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस एंगल पे हमने सेट किया, जो ये हमारा एंगल था, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से एक्सपेंड किया ऐसे जैसे बाकियों में हमने किया था, और इसको पहले लाइट से हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, जैसे हमने इन बाकियों में किया है। अब इस डायमीटर, इस पर हमें इतना ही 5 mm का एक डायमीटर बनाएंगे इस एंगल पे ही, ठीक है, इस तरफ से हम इसको ऐसे रखेंगे और एक लाइन हमने ड्रॉ की, और इसके ऊपर ही हम 5 mm का एक गैप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इतना ड्रॉ हो गया। अब इसमें हम ये फिलेट ड्रॉ कर देंगे, फिलेट हमने ड्रॉ कर दी, इसको डार्क कर देंगे, ठीक है, और
उसके बाद हम क्या करेंगे, राफ्टर को हम अपना दोबारा सीधा करेंगे इस पॉइंट पे लाके, ठीक है। और जो हमारा ये 6 mm का गैप है, यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक, ठीक है, और फिर इस पॉइंट से यहां तक। अब इसको जो कर्व दिया है हमारा, ये 6 mm का गैप है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे फ्री हैंड, ठीक है, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, ठीक है, हमारा मिल गया। अब इसको डार्क कर देते हैं और जो अंदर का ये लाइन है इसे मिटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्प्रिंग फिट हो गया, और जो ये लाइन हमने हिडन दिखाई है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा ये वाला डायमीटर है, ठीक है, उसका ऊपर का पार्ट है, ठीक है, हिडन में हमने दिखा दी। अब क्या करेंगे, हमारी असेंबली तो बन गई, अब हमें यहाँ पे हैच करना पड़ेगा। हमने मेन बॉडी पे हैच कर रखा है, लेकिन जो हमारा ये वॉल सीट है और वॉल है, इसमें हैच करना है। सबसे पहले इसमें हैच करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको सबसे पहले 45 डिग्री पे इस डायरेक्शन वाला में सेट करते हैं और यहाँ पे हैच करते हैं, वॉल में हैच कर देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे हैच कर दी वॉल सीट में। अब जैसे इस डायरेक्शन में किया हमने हैच, सेम है इधर भी कर देते हैं। तो हमने इसकी तरह हमने यहाँ पर भी वॉल सीट में हैच कर दी। अब हमारा जो ये पोर्शन है हमारा वॉल का, यहाँ पे हैच करनी है, ठीक है, हम इसमें इस डायरेक्शन में हैच कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने वॉल में भी हैच कर दी इस डायरेक्शन में और इस तरफ भी, ठीक है। तो हमारी ये असेंबली कंप्लीट हुई। तो मैं इसका ओवरव्यू आपको देता हूँ, ये है पूरा ओवरव्यू, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारा स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल फुली सेक्शनल, ठीक है, जिसे हमारा रैम्स बॉटम वॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सबके पास पहुंच जाए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है टॉप व्यू, मैं नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ जाके आप देख लेना। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।